दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से फ्री में ग्रो के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे कैसे आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है और ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ताकि आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सको या फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर सको। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देखने से पहले ग्रो आपसे क्या क्या चार्ज लेता है उसे जानना जरूरी है, ताकि आप जब अकाउंट ओपन कर लो और यूज करने जाओ तो आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ग्रो के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ्री में हो जाता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, AMC भी आपको जीरो लगता है। बाकी अगर आप शेयर्स को बाय करते हो सेल करते हो, इक्विटी ब्रोकरेज आपका 20 रुपया होगा या फिर 0.05% होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। ये जो परसेंटेज है वो आपके ऑर्डर वैल्यू में से निकाला जाता है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो 20 रुपया पर ट्रेड आपको पे करना होगा ब्रोकरेज बाइंग और सेलिंग के दौरान। प्लेज यहाँ पे जियो है। बाकी म्यूचुअल फंड के केस में सारे चार्जेस जियो हैं, और US स्टॉक्स में यानी कि अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, सारे चार्जेस जियो हैं। तो ये हो गया ग्रो के चार्जेस। अब देखते हैं अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर पे चले आना है और इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे मैंने ग्रो ऐप को यूज करके बिना पैसे लगाए, मीन्स बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए 80,500 रुपये कमाए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये जो मैंने रिवॉर्ड अर्न किए हैं इसके लिए 1 रुपया मैंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ग्रो ऐप इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप ओपन कर लोगे। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप गूगल अकाउंट के माध्यम से अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर लेना है। या फिर अगर आप कोई और ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो, गूगल के अलावा भी ढेर सारे ईमेल आईडी होते हैं, उससे बनाना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो यूज़ ज़्यादा ईमेल आईडी पे टैप करके। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ गूगल के ईमेल आईडी के साथ, यानी कि जीमेल आईडी के साथ। तो जो भी जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट आपके मोबाइल में साइन इन किए हुए हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालना चाहते हो, और मोबाइल नंबर इंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है उस पर एक OTP भेजा जाता है ग्रो की तरफ से, वो OTP यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। OTP इंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी नंबर है वो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइप कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप कंफर्म IM जो भी आपका नाम है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपका जेंडर पूछता है, तो आप मेल, फीमेल या फिर अदर ट्रांसजेंडर हो तो उसके लिए भी डीमैट अकाउंट होता है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। बाकी आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करोगे, बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर गवर्नमेंट सर्विस करते हो तो ये चूज कर लोगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो ये चूज कर लोगे, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो ये चूज कर लोगे, रिटायर्ड हो, फार्मर हो, सर्विस में हो, एग्रीकल्चर में हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सब कुछ। उसके बाद ये आपसे आपका सालाना इनकम पूछता है, एनुअल इनकम। तो जितना आप साल के कमा लेते हो, 1 लाख, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, अपने अकॉर्डिंग रेंज में आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो, कोई इनकम नहीं है, तो आप मिनिमम वाला चूज कर सकते हो, up to 1 लाख। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल से शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो। एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक कर लेना है, I am not a politically exposed person, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको KYC डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि अपना मदर्स नेम, मीन्स अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, फादर्स नेम, और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने डीमेट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक करना होगा। तो जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट है, यानी कि आपके पैन कार्ड से लिंक किया हुआ प्राइमरी बैंक अकाउंट, उसी को आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक करोगे। तो बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आप UPI को यूज़ कर सकते हो। तो जो भी UPI ऐप आप यूज़ करते हो
यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे, और यूपीआई के माध्यम से आप बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। यानी कि यूपीआई ऐप में जो बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है वही बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट में भी लिंक होगा। और यहाँ पे जो भी यूपीआई आप सेलेक्ट करोगे उससे आपको एक रुपया पेमेंट करना होगा, मीन्स एक रुपया ग्रो को पेमेंट करना होगा, जो कि विद इन 3 डेज ग्रो आपको वापस से रिटर्न कर देगा। विद इन 3 वर्किंग डे 1 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा ग्रो द्वारा। ये 1 रुपया बस आप बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए अभी पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यूपीआई ऐप सेलेक्ट करके सेंड टू वेरीफाई बैंक इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यूपीआई ऐप में रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे बस आपको यूपीआई पिन एंटर करके 1 रुपया पेमेंट कर देना है, जिसका कि रिफंड आपको विद इन 3 वर्किंग डेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि कोई भी यूपीआई ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है। केवाईसी करने के लिए आप डिजी लॉकर से सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर केवाईसी इस पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, जो भी आप डेटा ग्रो को प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे सिंपली आप प्रोसीड फॉर केवाईसी इस पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, इस पे टिक कर लेना है और ऑथेंटिकेट आधार इस पे क्लिक कर देना है। आप पूरा प्रोसेस देखते रहिए। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, तो जो आपके आधार कार्ड के ऊपर नंबर है वो आपको इंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड भी चाहिए, बैंक अकाउंट भी चाहिए और आधार कार्ड भी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर इंटर कर दूंगा और ये जो भी कैप्चा यहाँ पर दिखाई देता है इस बॉक्स में, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, वो OTP यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। आपको SMS ऐप में चले जाना है, SMS ऐप में आप जा करके OTP देख लोगे और यहाँ पे आपको वो OTP इंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपने डिजी लॉकर के साथ ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, डिजी लॉकर आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो डिजी लॉकर एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इस ऐप से आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट उसका नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास है उसको आप स्कैन करके अपलोड करके रख सकते हो। और इस ऐप में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को शो करते हो तो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाता है क्योंकि ये सरकारी ऐप है। तो अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का पिन इंटर करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट बना रखा है और पिन भूल चुके हो, जो कि 6 डिजिट का होता है डिजी लॉकर ऐप का पिन, तो यहाँ पे आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से पिन को रीसेट कर सकते हो OTP वगैरह रिसीव करके। तो यहाँ पे मैं पिन इंटर करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स का परमिशन मांगता है, अलाउ कर देना है। इस तरह से आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे ये आपसे सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना लाइव पिक्चर कैमरा से यानी कि फ्रंट कैमरा से क्लिक करके अपलोड करोगे। आपको लाइव सेल्फी क्लिक करते दौरान ध्यान रखना है कि आप अगर चश्मा पहनते हो तो उसको उतार दो, कैप पहनते हो तो उसको उतार दो, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्लैंक हो। तो यहाँ पे आप कैमरा के ऊपर क्लिक करोगे और कैमरा का परमिशन अलाउ करके सेल्फी अपलोड करके सबमिट कर दोगे। और जो सेल्फी लेना है वो पासपोर्ट साइज फोटो टाइप का लेना है। इस टाइप का आपका कैमरा ओपन होगा। यहाँ से आपको इस सर्कल में अपना फेस रख करके कैमरा के बटन पे क्लिक करके सेल्फी क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से सेल्फी क्लिक कर लेना है। अगर आप फिर से सेल्फी लेना चाहो, सेल्फी अच्छा नहीं आता है, तो आप टेक अगेन पे क्लिक करके वापस से ले सकते हो। अगर सही लगता है सेल्फी तो यहाँ से आप लुक्स गुड पे क्लिक करके प्रोसीड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भी प्रोवाइड करना होगा। आपको उसी टाइप से सिग्नेचर प्रोवाइड करना होगा, यानी कि उसी टाइप से साइन करना होगा जैसा कि सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पे होता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों पे टिक कर लोगे और प्रोसीड टू सिग्नेचर इस पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिटली अपने फिंगर से साइन कर देना है, वैसा ही साइन करना है जैसा कि आपके पैन कार्ड में है। तो आप अपना पैन कार्ड देख करके सेम टू सेम फिंगर से टच करके स्क्रीन पे साइन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी भी ऐड करने के लिए कहा जाता है। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, चाहे आप शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट पे यानी कि पूरे डीमैट अकाउंट पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होता है। इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट का जितना भी पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो आप अपने माता पिता, भाई बहन, किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हो। तो यहाँ से आप अगर नॉमिनी ऐड करना चाहो तो यस प्रोसीड पे क्लिक करोगे, अगर ऐड नहीं करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अभी नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है, आपको नॉमिनी ऐड कर ही लेना है।
तो आपको यस प्रोसीड पे क्लिक करके नॉमिनी ऐड करने के लिए प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम, यानी कि आपके किसी रिलेटिव का नाम, उस रिलेटिव के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आप सेलेक्ट कर लोगे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। बाकी उस नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एच पर उसके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, वो इंटर कर देना है। और यहाँ पे उस नॉमिनी का एक डॉक्यूमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। बाकी अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप इस पर टिक करके रखोगे, अगर सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करना है, आपको नॉमिनी का भी एड्रेस इंटर करना होगा। तो मेरे केस में सेम एड्रेस है तो मैं इस पर टिक करके रखूंगा और यहाँ पे फिनिश नॉमिनी एडिशन इस पर क्लिक कर देना है सारा डिटेल इंटर करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपने पहले KYC किया था, अब आपको ई साइन भी करना होगा। KYC आपने आधार कार्ड के माध्यम से किया था, ई साइन भी आप आधार कार्ड के माध्यम से ही करोगे। तो ई साइन करने के लिए यहाँ पे आपको इस पर टिक कर लेना है, आप आधार ई साइन कर सकते हो और प्रोसीड टू आधार ई साइन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, इस पर टिक कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अभी तक में आपने जितना भी डिटेल फिल किया है गो ऐप में, उसका एक फॉर्म बन के आ जाता है आपके फोटो के साथ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे और साइन नाउ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको ई साइन करने के लिए इस पर टिक कर लेना है और अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है, तो आप अपना SMS ऐप ओपन करके चेक कर लोगे OTP, जो कि 6 डिजिट का होगा, वो OTP यहाँ पे आप इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपका डिजिटल ई साइन हो जाता है आधार कार्ड के माध्यम से, KYC भी हो चुका है और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, योर अकाउंट ओपनिंग इज अंडर प्रोसेस, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट आफ्टर 48 to 72 hours। तो आप 2 से 3 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप को यूज करके चालू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना इन्वेस्ट किए भी ग्रो ऐप से कमा सकते हो, जैसा कि मैंने 80,500 रुपये कमाया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रो ऐप के लिए आपको 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहा जाता है, तो आप 4 डिजिट का पिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर कर दोगे और कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा SMS में, वो OTP यहाँ पे आप इंटर कर दोगे 6 डिजिट का और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ग्रो ऐप ओपन हो जाता है। अब आप इन्वेस्टमेंट चालू कर पाओगे 2 से 3 दिन के बाद। तो 2 से 3 दिनों के अंदर जब आपका सक्सेसफुली डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा ग्रो के साथ, तब आपको क्या करना है, कोई भी शेयर परचेस कर लेना है फंड ऐड करके, और उसके बाद आप इसके रेफरल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या है, टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ऐड मनी पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो, फंड ऐड कर सकते हो, और उस पैसे को आप यूज करके कोई भी शेयर परचेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और कैसे कैसे परचेस करना है, कैसे कैसे यूज करना है, उसका वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। जैसे ही आप इसमें इन्वेस्टिंग चालू कर दोगे तो यहाँ पे आप इसके रेफरल प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। ग्रो का एक रेफरल प्रोग्राम है, इसमें आपको करना क्या होता है, आपको ग्रो का डीमैट अकाउंट दूसरों को रेफर करना होता है। रेफर करने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक लिंक होगा, उस लिंक को आप शेयर करोगे, उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी ग्रो के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपको ग्रो द्वारा रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली इसके लिए आपको इनवाइट पे क्लिक करना है और ये रेफर इनवाइट का ऑप्शन तभी आता है जब आप खुद ग्रो से इन्वेस्टिंग चालू कर दोगे इसमें फंड ऐड करके। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 80,500 कमाया है। यहाँ से बस लिंक शेयर कर सकते हो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर सकते हो, और जिसको जिसको आप रेफर करोगे यहाँ पे उसका लिस्ट दिखाई देगा, उसका नाम, और पर रेफरल कितना अमाउंट मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी को रेफर करते हो वो डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो अभी आपको ग्रो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने पे 100 रुपया देता है रिवॉर्ड में। इसके अलावा जिसको आपने रेफर किया है वो फर्स्ट ट्रेड कर लेता है या फिर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो फिर से आपको 200 रुपया रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि पर पर्सन आप 300 रुपया कमा सकते हो। वैसे ये अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है।